जय हिंद। आप अक्सर सुनते होंगे कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ा दिया या घटा दिया। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति पर और बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले लोन पर इसका असर पड़ता है। तो इस नीति को हम लोग कहते हैं मॉनेटरियल पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। ये नीति बनाने का अधिकार केवल आरबीआई को है। इस नीति के तहत आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी है जिसके तहत वो अपने ऑफिस में बैठे भारत में महंगाई को बढ़ा सकती है और महंगाई को घटा सकती है। आरबीआई के पास इतनी समझदारी है कि वो नोट छाप के गरीबी दूर नहीं करती है। नोट छाप कर गरीबी दूर कर देना मतलब अपने आप को क्या है, एक तरह का आत्महत्या कर लेना है। बर्बाद हो जाएगी अर्थव्यवस्था, आप नोट छाप कर गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। आरबीआई इस नोट पर काबू पाने के लिए मौद्रिक नीति को अपनाती है। इसके लिए वो एक गुणात्मक नीति अपनाती है, जिस तरह से बैंकों पर वो दबाव बनाती है, उन्हें नैतिक दबाव बनाती है कि भाई आप लोग भी महंगाई को कम करने में सहयोग करें। लेकिन कुछ इसके अलावे वो परिणात्मक दबाव बना देती है, जिसके तहत वो क्या करती है, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, इस तरह का रिवर्स रेपो रेट ला देती है, या फिर मौद्रिक नीतियों के तहत वह खुले बाजार की नीति के तहत प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करने लगती है। इसके बारे में आप कंप्लीट समझिए। देखिए, हमारे देश में हम लोग को जब पैसे की जरूरत होती है तो हम लोग बैंकों के पास जाते हैं, चाहे वह एसबीआई में जाइए, पीएनबी में जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, जितना भी आपको कमर्शियल बैंक में जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन जब इन बैंकों को पैसा घटता है ना, तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। इसलिए हमारा बैंक ये सब और इन बैंक का बैंक हो जाता है आरबीआई। तो बैंकों का बैंक है आरबीआई, ये पूरे बैंकों को कंट्रोल करके रखता है। देखिए, इन बैंकों का जो इनकम का मेन स्रोत होता है वो ब्याज होता है, यानी इंटरेस्ट होता है। आप बैंक पे जाएंगे कर्जा मांगने, घर के लिए कर्जा लीजिए या फिर कार खरीदने के लिए लोन लीजिए, किसी भी चीज के लिए आप लोन लेते हैं तो ये बैंक आपको आराम से लोन दे देते हैं। आप जाइएगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदने तो तुरंत कहते हैं हाँ खरीद लीजिए, ईएमआई पे दे देंगे, क्योंकि जानता है आप 15,000 का सामान खरीदेंगे तो आपसे वो 15,000 के आपका आपके बदले वो पैसा देगा, लेकिन धीरे 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 आपसे काटते रहेगा, 15,000 की जगह 18,000 ले लेगा। तो इस तरह से बैंकों को फायदा होता है, टोटल बैंक का फायदा ब्याज पर डिपेंड हो जाता है यहां पर। अब बैंक को जब पैसे घटते हैं ना, तो ये बैंक जाती है आरबीआई से मांगने के लिए। तो आरबीआई से जब ये कर्जा मांगती है तो आरबीआई कहती है कि भाई साहब, हम तुमको जब कर्जा देंगे तो हम इस कर्जा पे ब्याज लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तू ससुरा किसी ना किसी जनता को देगा और वहां से ब्याज कमाएगा, तो तुम हमको भी ब्याज दो। तो इसी ब्याज को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। इसका एक मतलब पूरा नाम होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन, ये जरूरी नहीं है। तो रेपो रेट क्या होता है कि वह ब्याज दर जो आरबीआई इन बैंकों से लेती है कर्जा देने के बदले, सोचिए ये आरबीआई भी बहुत बड़का सुदखोर है, ये रेपो रेट के तहत ये बैंक वाले इससे कर्जा ले लेते हैं और इसके बाद इनको दे दिया। अब मान लीजिए कि ये रेपो रेट है आपका 5%, सपोज करके चलिए कि 5% पे ये कर्जा लाने गया और यहाँ से कोई जनता वाले भाई, यहाँ से कोई गए, मान लीजिए यहाँ से गए श्याम, कोई आदमी है श्याम, ये बैंक से कर्जा लेने गया कि भाई साहब हमको कुछ पैसे दे दीजिए, कर्जा चाहिए, हमको लोन चाहिए। तो ये बैंक वाला देखेगा कि भाई साहब हमको तो खुद ही मिला है 5% पे, तो इनको भी हम देते हैं अच्छा खासा, तो इनको दे देगा ये, आप कहेगा भाई साहब आप ले लीजिए 10% पे। तो ये हो गया इसका बेस रेट। अभी आप पूरा समझते चलिए, अभी पूरा समझ में आ जाएगा पीएलआर क्या होता है। तो बेस रेट, बेस रेट पे किसको मिला, जनता को मिला, और रेपो रेट पे कर्जा किसको मिला, बैंकों को मिला, कोई भी बैंक को मिल सकता है यहाँ पर। तो अब बताइए, ऐसा पागल कोई मैनेजर होगा क्या जो बेस रेट को रेपो रेट से कम रखे, यानी 5% में ला के इनको 2% पे देगा, बैंक बिक जाएगा वहाँ, तो दिवालिया हो जाएगा बैंक वहाँ पे। तो ये बेस रेट हो जाते हैं। अब इनको जो भाई साहब को कर्जा मिला, मान लीजिए ये 1,00,000 रुपये लोन लेके आए, तो इनको ये 1,00,000 रुपये पर कितना ब्याज देना है, 10%, यानी 1,00,000 रुपये लेके आएंगे, एक साल बाद उस पर 10% ब्याज लगेगा, बैंकों का ब्याज सालाना लगता है। अब आप सोचिए, एक साल बाद बैंक उनसे कहेगी पैसा दे दीजिए हमको, 1,00,000 वो दीजिए, 10% ब्याज नहीं, 1,10,000 दीजिए, तो ये भाई साहब के जेब में कितना पैसा आ गया, 1,00,000 रुपये आ गया। ये कैश पैसा को हम लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता कहते हैं कैश पैसा को। ये कैश पैसा बर्बादी का जड़ है। अब ये 1,00,000 रुपया लेके घूमेंगे ना, तो इनको तो शान से चलेंगे, ससुरा कहीं का 1,00,000 रुपया जेब में है, जाएंगे मिठाई की दुकान पर कहेंगे हे मिश्रा जी 1 किलो मिठाई तोल दीजिए, दामों नहीं पूछेंगे कितना का है, सीधे कहेंगे 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। क्यों? क्योंकि जेबों में नहीं, इनके तरलता बोल रहा है, तरलता कैश पैसा, बहुत पैसा में दम होता है ससुरा वहाँ पर, यहाँ पे तोल दे। अब वो देखेगा कि अरे बाप रे बाप, ये बोले हैं कि 1 किलो तोल दीजिए, तो 100 रुपया का मिठाई रहेगा तो कहेगा हाँ हाँ लीजिए ना, 150 रुपया में बेचें आपको, 120 में लगा देंगे। ये खुश हो गए भाई साहब, ये क्यों खुश हो गए, क्योंकि इनके पास पैसा था। अब मान लीजिए कोई और आदमी ऐसे ही बैंक से लोन लेके आया, वो भी गया मिठाई खरीदने, मिठाई वाला उनको भी बेच दिया 120 रुपये में। अब एक बात बताइए, जो मिठाई 100 रुपये में बिक रही थी
उस पर भी उसे प्रॉफिट था, लेकिन इन लोग पैसा के गर्मी में उस दुकानदार से 120 रुपये में खरीदते गए तो वो दुकानदार अब उसका रेटे कर देगा 120 में कि भैया मेरा 120 में बिक ही रहा है। तो ये कैश पैसा जो आदमी के जेब में रहता है ना, यही आदमी जाके महंगाई बढ़ा देता है, जो सरकार नहीं चाहती है कि महंगाई बढ़े, वरना गरीब आदमी पिसा जाता है यहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो कहती है बैंकों पे कि तुम लोग कम से कम कर्जा दो, लोग कम से कम, लेकिन बैंक वाला कर्जा नहीं देगा तो इसको फायदा कहाँ से होगा, इसलिए बैंक वाला दबा के देता है सब कर्जा कि ले जाइए भाई, जब ले जाइए। तो सरकार कहती है कि जरा तू नहीं मानेगा, रुको बताते हैं। सरकार आरबीआई को कहती है आरबीआई सुनो तो बहुत महंगाई बढ़ रहा है, एक काम करो रेपो रेट बढ़ा दो। तो आप कल्पना कीजिए कि जरा रेपो रेट कह देगा 40%, तो इनको 10% पे ब्याज मिलेगा। अब इनको कितना पे मिलेगा भाई ब्याज, अब इनको 40 लिया है तो कहेगा लो भाई 50% पे ब्याज। अब 50% पे कोई आपको ब्याज देगा कि 1,00,000 रुपया लेंगे तो हम आपसे बदले में 1,50,000 लेंगे, कोई कर्जे नहीं लेगा, जैसे हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं मिठाई खाएंगे, चलेगा। अब बेचारा बैंक गए थे कर्जा दे दीजिए तो कहा कि 50% ब्याज, भाग आएगा मिठाई के दुकान पे, कहना मिश्रा जी मिठाई नहीं खरीदना है, मिश्रा जी देखेंगे यार मिठाई नहीं खरीद रहा है कोई, तो बगल से कोई और आएगा उसको भी लोन नहीं मिला है, उसे भी कहा मिश्रा जी मिठाई नहीं खरीदना है, मिश्रा जी कहेंगे मेरा मिठाइया कोई नहीं खरीद रहा है, महंगा हो गया है क्या मिठाइया यहाँ पर, तब वो मिश्रा जी ने मिठाई का रेट नीचे कर देंगे। रीजन समझिए आप कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि आपके पास पैसा है तो आप मोलाई करना छोड़ देंगे, आप किसी भी चीज़ को आराम से खरीद लेंगे। आप देखिएगा मॉल में छोटे मोटे आदमी नहीं जाते हैं, मॉल में शॉपिंग करने खरीदारी करने बड़े लोग जाते हैं, उनके पास कैश पैसा है, तरलता, मोलाई नहीं करते हैं, सीधे जाके भाई बिलिंग करो दे दो यहाँ पर। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक रेपो रेट नाम की चाबी है। तो अब आप ये समझ गए कि रेपो रेट यदि बढ़ गया तो समझ जाइए आपको लोन बहुत महंगा मिलने वाला है, और अगर रेपो रेट घट गया तो समझिए कि आपको लोन बहुत सस्ता मिलने वाला है। तो मोदी जी ने कहा था ना कि कोरोना के वजह से हम रेपो, आरबीआई से कहते हैं कि अपनी मौद्रिक नीतियों को सख्त न करें, यानी अपना रेपो रेट कम कर दो, ब्याज कम मिलेगा, आप आराम से जाके बैंक से लोन ले लीजिए, आपका जो बिजनेस चौपट हुआ था नया बिजनेस खोल सकते हैं। अब ये रेपो रेट जो होता है वो 2 से 14 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन कभी कभी बैंकों को केवल 1 दिन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है या ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रेपो रेट पे नहीं लेता है, वो तत्काल पैसा लेता है, उसे कहते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो देखिए जब RBI इन किसी भी बैंकों को केवल 1 दिन के लिए कर्जा देती है ना, तो उस पर जो ब्याज लेती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। कहेगा कि एक रात के लिए जो ब्याज लेती है उसे क्या कहते हैं MSF। 2 से 14 दिन के लिए अगर ब्याज दी तो उसे क्या कहते हैं रेपो रेट। जनरली सबसे ज़्यादा अगर बैंक लेते हैं सब तो रेपो रेट लेते हैं, क्योंकि बैंकों के पास ऑलरेडी इतना ग्राहकों का पैसा आते रहता है कि उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी खरमास वगैरह में लेना पड़ता है ताकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता है, तो 2 से 14 दिन। लेकिन 14 दिन से ज्यादा के नहीं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए इन बैंकों को आरबीआई से, तो आरबीआई उस पे जो ब्याज लेती है लॉन्ग टाइम के ब्याज को, उसे कहते हैं बैंक रेट। ये रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, साल में ये 4 बार तो इनको चेंज होना फिक्स है, इसके अलावे भी कभी कभी साल में ही ससुरे 8 बार चेंज हो जाते हैं सर, तो ये अक्सर चेंज होते रहते हैं सब। तो हम यहाँ जो आंकड़ा रखें MSF 4.65, तो ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो आप बाबू इसको ध्यान से समझिएगा, मजबूरी है तो हमेशा चेंज होते रहते हैं सर, आरबीआई के हाथ में, अभी हम बता रहे हैं कल बदल देगा, तो आप कहिएगा सर आप इतना बताए थे इतना हो गया, तो ये बहुत फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। तो आप इस पर नहीं जाइएगा, आप कंसेप्ट समझिए। कहेगा क्वेश्चन कि अति अल्पकाल यानी एक रात के लिए अगर पैसा लिया किसी बैंक ने आरबीआई से तो कौन सा ब्याज लेगा, तो MSF। 2 से 14 दिन के लिए अगर आरबीआई ने कर्जा दिया तो कौन सा ब्याज लेगा, रेपो रेट। और दीर्घकालीन कर्जा दिया यानी 14 दिन से ज्यादा के लिए दिया आरबीआई ने किसी भी बैंकों को, तो उसको क्या कौन सा ब्याज लेगा, तो बैंक रेट। BPSC के एग्जाम में पूछा था कि अल्पकालीन यानी कम समय के लिए कौन सा होता है, तो रेपो रेट। अति अल्पकालीन सबसे कम समय के लिए MSF होते हैं सब, तो MSF का जो रेट होता है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है क्योंकि इमरजेंसी में मांगने गए। कहेगा कि RBI सबसे ज्यादा कौन से रेट का प्रयोग करती है, तो आप कहेंगे कि रेपो रेट का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब ये समझिए आप ध्यान से, यानी रेपो रेट को घुमा बढ़ा के RBI यहां पर लोन को महंगा सस्ता कर सकती है। जनता को जो लोन मिलता है वो किस रेट पर मिलता है, तो बेस रेट पर। देखिए जनता को जो लोन मिलते हैं इसके भी 2 रेट होते हैं, एक होता है प्राइमरी लेंडिंग रेट,
प्राइमरी लेंडिंग रेट वह रेट होता है जो बैंक ग्राहकों को देती है, लेकिन बैंक के पास भी दो तरह के ग्राहक होते हैं, एक रेगुलर कस्टमर और एक फेवरेट कस्टमर जो हमेशा आता है, करोड़ों रुपया जमा करता है, बड़े बड़े लोग होते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं बैंक उनका ज़्यादा ख्याल रखती है, तो उनको जो बैंक कर्जा देती है वो बहुत कम ब्याज पे देती है। जैसे मान लीजिए कोई का करोड़ों रुपया का अकाउंट में है तो उसको दे देगी कि भैया आप 8% पे ले जाइए, और कोई कोई आजे आजे आया है बैंक में खाता खुलवाने का कर्जा दे दीजिए तो उनको देके 12% पे ले सचुरा। तो आपको ही पता है कि आपका भी अगर दुकान होगा तो पुराने ग्राहकों को आप कम दाम में देते हैं। तो जो उसके फेवरेट कस्टमर होते हैं बैंक के, उसको जो कर्जा देती है उसे कहते हैं बेस रेट पे दिया जाता है। तो आप बताइए जरा एक चीज, हमारा बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है और हम चले जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से कहने कि भाई साहब हमको थोड़ा सा कर्जा दे दीजिए, तो हम उसके फेवरेट कस्टमर थोड़ी हो गए, तो हम उसके लिए तो एक सामान्य कस्टमर हो गए, हमको थमा देगा प्राइमरी लेंडिंग रेट में 12-13% पे। लेकिन हमारा HDFC बैंक में है, हम HDFC बैंक में जाएंगे ना तो कहेगा अरे खान साहब बैठिए बैठिए लोन चाहिए, कोई बात नहीं अपने कस्टमर है दे दो जी, तो इनको PLR पे नहीं देगा हमको, तब हमको हमारा बैंक अगर हम उसके नज़र में एक अच्छे कस्टमर हैं तो बेस रेट पर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने किसी बैंक में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खुलवा लिए कि 700 रुपया आएगा इसमें, आज आके चल गए कि हमको 1 करोड़ रुपया दे दीजिए और दे देगा बेस रेट पर, ऐसा नहीं होता है। आपके अकाउंट मायने रखते हैं कितना मेंटेन किए हैं। अब एक जरा चीज सोचिए, बैंकों को जब पैसा घटा था तो ये मांगने गए थे, तो ये सब ससुरे सब जो RBI है वो तीन तरह का ब्याज ले लिया समय के हिसाब से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, लेकिन बैंक क्या, अब वो पैसा रखने से फायदा क्या, जैसे सैटरडे संडे को अक्सर लोग बैंक में बहुत कम जाते हैं, संडे को तो बंदे रहता है और सैटरडे को आधा आदमी कंफ्यूज रहता है कि दूसरा सैटरडे कि चौथा है, आज आधा खोलेगा कि पूरा बंद रखेगा, इसलिए लोग सैटरडे को भी नहीं जाते, अक्सर लोग नहीं जाते हैं। तो बैंकों को पता है 2 दिन तक से जुड़ा हमारे पास कोई आएगा नहीं, तो ये 2 दिन तक पैसा रखने से क्या फायदा है अगर इसको हम ब्याज पे चला दे तब, या कभी कभी कोई छुट्टी हो जाती है बैंक में 5-10 दिन का छुट्टी हो जाता है तो बैंकों के पास कोई आता नहीं है पैसा निकालने के लिए, तो बैंकों को पता है कि हमारे पास आज कोई नहीं आएगा निकालने के लिए, एक अच्छा है इसको हम कहीं ब्याज पे लगा देते हैं। तो ये बैंक वाला ना RBI को कहता है कि भाई साहब पैसा कर्जा हम दे आपको, तो ये बैंक वाले क्या करते हैं सो उल्टा इसको दे देते हैं सो ले यहाँ पर। तो अब बताइए जब उल्टा देंगे सब तो ये सब भी मांगेंगे सर RBI से कि ब्याज दो, और अगर ब्याज नहीं दोगे ना तो हम जनता को दे देंगे, जनता महंगाई बढ़ा देगी तो जनता सरकार को गरियाएगी और सरकार तोरा गरियाएगी, इसलिए RBI कहता हाँ हाँ नहीं ले। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट, और इधर से आया तो रेपो रेट, और ये अपना उसको दिए तो रिवर्स रेपो रेट। अब RBI क्या कहता है कि देख भाई साहब तुम लोग हमसे मांगे थे तो तुम लोग को घाटा हुआ था, तुम जरूरतमंद थे, इसलिए हम तुमसे लिए थे रेपो रेट 4% पे, लेकिन हमको कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोग का, हम तुम्हारे भलाई के लिए चाह रहे हैं कि 2 दिन सैटरडे संडे बंद है या छुट्टी है या कोई भी मतलब है सरप्लस अमाउंट है तुम्हारे पास तुम हमको दे रहे हो तो हम तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए ले रहे हैं, इसलिए हमें ज़रूरतमंद मत समझो और हमसे उस ब्याज दर की उम्मीद मत रखो जिस ब्याज दर पर हमने तुमको दिया था, हम जिस दर पर तुमको दिए थे उससे कम ब्याज दर पर तुमसे लेंगे क्योंकि हम ज़रूरतमंद नहीं हैं, इसलिए रिवर्स रेपो रेट कभी भी रेपो रेट से कम होता है, वर्तमान में ये 3.35 है। हम फिर कहते हैं कि आंकड़ा चेंज होते रहते हैं, आंकड़े पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए। यहां आप टोटल 6 चीज समझे, MSF रेपो रेट बैंक रेट, और उल्टा दे दिया तो रिवर्स रेपो रेट, और 2 यहां पर PLR और बेस रेट। अब समझिए CRR और SLR क्या होता है। देखिए अगर बैंकों के पास पैसा रहेगा ना तो ब्याज दर वो बैंक चाहेंगे सब कि इसको कैसे भी ब्याज कमाओ, धड़ाधड़ जनता को ससुरा कैंप लगा देगा सब सड़क के किनारे, आओ कर्जा ले जाओ हमसे ले जाओ, क्योंकि ले जाएंगे तो देंगे उसको। अब सरकार चाहती नहीं है कि किसी को बैंक से कर्जा दिया जाए, इसलिए सरकार कहती है बैंक वालों से कर्जा मत देना उसको, आपसे चुनाव में कहती है खूब कर्जा देंगे हम एकदम 1.25 लाख करोड़ सबको दे देंगे यहाँ पर। अब सरकार की भी मजबूरी, आपको पैसा दे देगा तो आप महंगाई बढ़ा देंगे वहाँ पर। वेनेजुएला का देखिए नोट छाप के गरीबी दूर करने निकला था, बर्बाद हो गया वहाँ पर वेनेजुएला। तो सरकार चाहती है ना कि ससुरा एक काम करते हैं बैंके का कमर तोड़ देते हैं कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, क्योंकि बैंकवे के पास पैसे बैंके में डाका डाल देते हैं। तो RBI कहती है अरे बैंक वाला तुम लोग कब शटर डाउन करके भाग जाएगा सब, नीरव मोदी की तरह कोई ठीक नहीं है, तुम लोग हम कहो एक काम करो तुम लोग हमारे पास सिक्योरिटी मनी जमा करो। सिक्योरिटी मनी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो को CRR कहा जाता है। अब ये CRR क्या है, तो देखिए जितने बैंक के जितने भी बैंक है उनके पास जितना पैसा जमा है वो उनका अपना थोड़ा है, वो तो ग्राहक का उनको लौटाना है, यानी उनके ऊपर एक लायबिलिटी एक
चेक देता है कि लौटाना है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट डिपॉजिट यानी कितना पैसा जमा है और टाइम लाइबिलिटी कब कब वापस करना है। तो बैंकों के पास जो पैसा जमा रहता है उसको एक टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं, NDTL, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी। तो RBI कहती है कि तुम्हारे पास जितना NDTL है यानी जितना तुम पैसा जमा किए हो ना लोगों का, तुम एक काम करो उसका हमको एक फिक्स परसेंटेज, वर्तमान में यह परसेंटेज 3% के पास है, इसको तुम हमारे पास जमा कर दो। RBI कहती है कि हमारे पास ले आओ जमा करो, क्योंकि तुम भाग जाएगा तो कोई ठीक नहीं है ना, तब तक हम 3% पैसों में लोगों को लेमचूस खाने भर का पैसा देंगे, कहेंगे कि हम खोज रहे हैं यहाँ पर। तो ये बैंकवा कहता है सर ठीक है हम 3% आपको CRR दे देंगे, लेकिन आप रिजर्व बैंक हमको इस पर रिवर्स रेपो रेट की तरह ब्याज दीजिएगा ना। तो बैंक RBI कहता है चुप, ब्याज देंगे हम यहाँ पे, सिक्योरिटी मनी पे कहीं ब्याज होता है, नहीं देंगे। अब ये बताइए ससुरा, बैंकवा का तो 3% पैसवा RBI ऐसे ही मार दिया, वो 3% किसी को दे ही नहीं सकते हैं, यानी बैंक का ये 3% पैसा किसी काम का नहीं है, जनता से लिया है, जनता को इस पर ब्याज देगा, RBI को देगा, RBI इसको ब्याज नहीं देगा। इसके बावजूद बैंकों के पास 97% पैसा बचा ना, अगर वो 97% पैसा मार्केट में ठोक देगा, उतार देगा, तो मार्केट में पैसा का अंबार लग जाएगा, लोग महंगाई बढ़ा देंगे। तो RBI कहता है ना इसको और अभी और छोड़ेंगे नहीं, अभी इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए RBI कहती है SLR, स्टेटुअरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या चीज़ होता है कि RBI कहती है कि रे बैंक वाला तुम लोग बहुत खचरा निकल जाता है, तुम लोग कोई आदमी आता है तुम्हारे यहाँ, तुम लोग कहता है कैश खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये सब नहीं चलेगा, तुम लोग अपने टोटल NDTL है यानी जो टोटल डिपॉजिट जमा है उसका एक फिक्स अमाउंट अपने पास रखा करो, अगर नहीं रखोगे ना तो हम कई करोड़ रुपया तुम्हारे पे जुर्माना लगा देंगे, तुमको फाइन लगा देंगे हम यहाँ पर। तो RBI कहती है तुम SLR के रूप में, स्टेटुअरी लिक्विडिटी के रूप में तुम टोटल 18.5% पैसा रखो। ये रेशियो चेंज होते रहते हैं सर, 18.5% तो समझिए यहाँ तो बर्बाद कर दिया 3% अपने पास सिक्योरिटी मनी में रखवा के, और ये कहता है कि इसको हम 18 मानते हैं कि 18% अपने पास रखो। तो ये अपने पास जब रख लेंगे और इसको खर्चा नहीं कर सकते हैं, खर्चा कर दिए तो RBI इन लोग पे करोड़ों रुपया जुर्माना लगा देगा। तो अब बताइए ये तो और बर्बाद हो गया, 3% गया सिक्योरिटी मनी के रूप में, 18% अपने पास रखे हैं, पास रह के भी दूर हो, किसी काम के नहीं यहाँ पे, तो ये तो बर्बाद कर दिया। तो RBI इन बैंकों का बड़े होशियारी के साथ लगभग 20-22% पैसा को यूं ही बर्बाद करा देता है कि ये पैसा पब्लिक को नहीं जाए, क्योंकि पब्लिक को गया पैसा तो महंगाई बढ़ाएगा। इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है लिक्विडिटी यानी कैश पैसा, यही सबको बर्बाद कर देता है। जेब में पैसा रहेगा 1,00,000 रुपया ना, अब पुलिस अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना हेलमेट का, पकड़ेगी आपको तो आप पुलिस से तमीज से बात नहीं करेंगे, कहेंगे काहे रोका, फाइन लगाएगा, लगाओ ना 1,000, 2,000, 5,000 लगाओ, कितना फाइन लगाएगा, जितना तोरा सैलरी उतना हम फाइन भर सकते हैं। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये जेबवा में बैठा हुआ तरलता बोल रहा है, कैश पैसा ये इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। RBI की नजर में ये कैश पैसा इस देश के लिए गमगीन माहौल पैदा कर देगा, इसलिए कैश पैसा को वो हटा देता है। इसीलिए सरकार नोट छाप के गरीबी दूर नहीं करती, क्योंकि महंगाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। वेनेजुएला ने ऐसी कोशिश की थी, इसका नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला में 10,00,000% महंगाई बढ़ गई, वहां 2,00,000 रुपए का ब्रेड मिलता है। अब महंगाई का अंदाजा लगाइए, भारत में लगभग 10% महंगाई है, वेनेजुएला में 10,00,000% महंगाई है, इसीलिए नोट छाप के गरीबी दूर नहीं की जा सकती। तो आप अपने मन से अंदाजा लगाइए, RBI अपनी मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट, MSF, बैंक रेट या फिर CRR, SLR जहां बढ़ाया, जैसे इंक्रीज किया, जनता को मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा और महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। अब यहां समझिए अच्छे से, मौद्रिक नीति यानी जितने भी रेट होते हैं, ब्याज दर होते हैं, जो मौद्रिक नीति होती है जिसमें मुख्य रूप से MSF, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR आता है, यानी ये मौद्रिक नीति के जितने भी मॉनेटरियल पॉलिसी के रेट हैं, अगर गवर्नमेंट ने इसे इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, तो इसका नतीजा क्या देखने को मिलेगा, जो ब्याज दर है यानी इंटरेस्ट है ये बहुत महंगा हो जाएगा, आपको भी पता है महंगा हो जाएगा, जिस वजह से लोन, हिंदी में इसे कहते हैं साख, साख यानी लोन की मात्रा, जब ब्याज महंगा होगा तो कोई ज्यादा लोन नहीं लेगा, तो लोन की मात्रा घट जाएगी, और लोन की मात्रा घट जाने से मार्केट में कैश मनी का फ्लो यानी तरलता, लोन घट गया तो तरलता घट जाएगा, तरलता सीधे सीधी घट जाएगा, और जैसे लोगों के पास कैश पैसा घट गया ना, लोगों की जो डिमांड
डिमांड है, मांग है, वो खत्म होने लगती है। जैसे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, महीने के आखिरी में उनका कैश पैसा खत्म हो जाता है तो उनका डिमांड घट जाता है। सड़क पे जाते हैं उधर चाउमीन बिक रहा है, देखते भी नहीं है, चलो छोड़ो यार। और जैसे महीना का एक तारीख से पाँच तारीख के बीच में आता है, धाधड़ घर वाले पैसा भेजते हैं, बाबू भेज दिलो पैसा, मिल भी लो। जैसे मिल गया अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यही कैश पैसा सब करता है। तो यहाँ मांग क्या हो जाएगा, कैश घटने से मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब भी किसी चीज का डिमांड घटता है तो दुकानदार परेशान हो जाता है कि ससुरा डिमांड घटा क्यों, इसलिए उसको मजबूरी में अपनी प्राइस घटानी पड़ती है। तो प्राइस इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और किसी चीज की प्राइस जब घट गई तो वहां का इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं महंगाई, वहां की महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जरा देखिए, हमारा तो मेन टारगेट था महंगाई कम करना, धड़ाधड़ एक दूसरे से रिलेटेड है सब। और लोग कहते हैं महंगाई कम करो, भाई सब आरबीआई यहां जरा सा उंगली घुमाया एमएसएफ रेपो रेट में, तुरंत महंगाई कंट्रोल हो गया, उसने पैसे पे रोक लिया। लेकिन मोदी जी ने देखा कि अभी कोरोना में बहुत लोगों का मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उन्होंने आरबीआई को बुलाया, कहा कि ये आरबीआई कुंजी कर तो रे, तो आरबीआई का एक काम करते हैं, आप हमको छूट दीजिए, हम ये जो रेपो रेट इस सबको बढ़ा के रखते हैं ना, इसको बढ़ा के नहीं रखने लायक है, इसको घटा देते हैं ताकि मार्केट में पैसा जाए, लोग धड़ाधड़ लोन ले लोग। इसलिए क्या किया गया कि जो मॉनेटरियल पॉलिसी है ये सबको, इसको डाउनफॉल कर दिया गया, गिरा दिया गया नीचे, जितने भी रेट थे बैंक रेट ब्याज एकदम सस्ता हो गया। आरबीआई ने कहा कि तुम लोग हमारे पास अब थोड़ा सा हमारी ओर से ढील है, जितने ग्राहकों को तुम लोन दे सकते हो दे दो। उसने अपनी मौद्रिक नीतियों को घटा दिया, कमजोर कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब जब लोन सस्ता हो गया, मान लीजिए रेपो रेट घट गया, तो इंटरेस्ट रेट ब्याज दर भी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब ब्याज दर घट जाएगा तो लोन यानी साख, हिंदी में साख, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, साख की मात्रा बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा अब लोन लेंगे। लोन जब ज्यादा लेंगे तो मार्केट में कैश फ्लो की मात्रा बढ़ जाएगी, कैश फ्लो बढ़ जाएगा। कैश फ्लो जैसे बढ़ेगा लोगों के पास पैसा आएगा, लॉकडाउन में पैसा नहीं था, बहुत लोगों को लोन मिला, धड़ाधड़ लोन मिल गया, अब डिमांड बढ़ गया, इस खरीद लेते हैं, दुकानदारी चलेगा, तो डिमांड तुरंत बढ़ जाएगा। मांग जैसे बढ़ेगा, मांग बढ़ने से उस चीज का मूल्य बढ़ने लगता है, और मूल्य बढ़ गया, इस मूल्य बढ़ने को इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए किस तरह से एक केवल आरबीआई घटा बढ़ा देने से पूरी तरह से इकोनॉमी को वो बदल सकती है। आरबीआई को पता है कि ये जो डिमांड है ना ससुराई, डिमांड जैसे लोग डिमांड करेंगे लोग ना, तैसे यहाँ का किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो डिमांड लोग कब करते हैं, कैश के अभाव में, कैश ज्यादा होगा या घट जाएगा, तो कैसे पे तोड़ देती है आरबीआई, कमरे तोड़ देगा, कैसे को रोक लेगा, तो डिमांड कम हो जाएगा। आप ऐसे समझिए ना, नवरात्र के महीने में लोग चिकन उकन नहीं खाते हैं, लोग बहुत लोग छोड़ देते हैं नवरात्र में, तो नवरात्र में चिकन खरीदने जाएगा ना 100 रुपया किलो मिल जाएगा आपको, क्यों, डिमांड नहीं है लोगों का। अब वही किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो तुरंत महंगा कर देगा। अभी शादी ब्याह का मौसम नहीं चल रहा है, आप जाके डीजे ऑर्केस्ट्रा करिएगा एकदम सस्ते में चलाएंगे, और वही लगन में जब जाके डीजे करिए ना, डिमांड बढ़ा रेट बढ़ा दिया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बैंक के द्वारा दिए गए कर्जे पे वर्क नहीं करते हैं, वो अपने बिजनेस से अपनी सैलरी से पैसा कमाते हैं। आरबीआई कहती है ससुरा इन सबों का कैसे कैश छीन लिया जाए, कैसे कैश पैसा ले लिया जाए, इसके लिए आरबीआई नियम लगाती है जिसे हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट पॉलिसी, खुले बाजार की नीति। इस खुले बाजार की नीति के तहत आरबीआई जो होती है सिक्योरिटी पेपर बेचती है जिसे हम कहते हैं प्रतिभूति। ये आपके दिमाग के ऊपर से चला गया होगा। प्रतिभूति को आप एग्जाम्पल पर समझिए, LIC, जब आप LIC कराने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि LIC वाला या फिर बैंक वाले बड़े बड़े आपके पास ऑफर लेके आते हैं कि हमको 1 लाख दीजिए 10 साल में डबल कर देंगे। तो आप उसको क्या देते हैं, कैश पैसा देते हैं, कैश पैसा, तरलता। आरबीआई तो यही चाहती है कि ससुरा से तरलता छीन ले। जैसे तरलता छीनोगे ये दुकान में जाके मोलाई करेगा, महंगाई घट जाएगा। तो तरलता छीनने के लिए आरबीआई तरह तरह के एजेंट भेजती है, LIC भेजती है, म्यूचुअल फंड भेजती है कि पैसा दे। आप पैसा दे देते हैं LIC वाले को, मान लीजिए 1 लाख रुपया दे दिए, LIC वाला कहा कि हम 10 साल में दुगुना कर देंगे, तो आप तो 1 लाख रुपया दे दिए, बदले में LIC वाले ने आपको क्या दिया, एगो कागज थमा दिया, लीजिए झुनझुनना, इससे गर्मी में झलते रहिएगा, इसे इसे वो काम लायक थोड़े रहेगा। अब वही 1 लाख रुपया जेब में रहता तो गरजते फिरते, रहे तोरा कौनची औकात है 1 लाख रुपया रखे हैं। अब वही LIC वाला आएगा आपको थमाएगा, एगो गारंटी पेपर प्रतिभूति थमा के चल जाएगा, ये लीजिए आपका गरजिएगा, कौनची बोलता है, अरे देख LIC का पेपर है,
कौन लेके ठार देगा, यहाँ पे LIC का पेपर है, पैसा में बहुत गर्मी होता है। तो RBI जो करती है, कहती है कि लोगों से पैसा छीन लो, एगो कागज थमा दी कि रख ले रही, तोरा 10 साल बाद मिलेगा। 10 साल तक महंगाइया कंट्रोल रहेगा ना, 10 साल बाद सोचा जाएगा, 10 साल बाद एकरों से बड़ा ऑफर निकाल दिया जाएगा, चाहे 10 साल बाद उसका खर्चा हो जाएगा यहाँ पे। तो यही, इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेपर, सिक्योरिटी पेपर, प्रतिभूति। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब RBI अपने एजेंट के माध्यम से प्रतिभूतियों को बेचती है तो बाजार में उपस्थित तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाजार की तरलता उठ के बैंकों के पास चली जाती है, तो बाजार की तरलता खत्म हो जाती है और महंगाई घट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो प्रतिभूति होती है और जो तरलता होती है, इसमें उल्टा संबंध होता है। जितना मार्केट में लोगों के पास तरलता रहेगा, वो लोग उल्टा पैसा RBI को दे देंगे। तो इसको भी हम मौद्रिक नीति में शामिल करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, क्या खुले बाजार की नीति मौद्रिक नीति का हिस्सा है? एकदम हिस्सा है। आप भी कहीं ना कहीं खुले बाजार की नीति के तहत प्रतिभूति जरूर लिए होंगे लोग कहीं ना कहीं से। इसका मतलब ये हुआ कि RBI अपने मौद्रिक नीतियों को जैसे ही कड़ा करेगी, यानी सख्त करेगी, मार्केट की तरलता घट जाएगी और महंगाई घट जाएगी। जैसे RBI अपने मौद्रिक नीतियों में ढील देगी, तरलता बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। ये तरलता से आप समझ में आ गया, अब प्रतिभूति भी आप लोग को समझ में आ गया। तो ये RBI की जितनी भी मौद्रिक नीतियां थी, 6 मौद्रिक नीति यहां थी और 1 प्रतिभूति बताएं आप लोग को वहां पर। ये टोटल आई होप आप इसको समझे होंगे। इसके अलावा अगर आप प्रतिभूति बाजार को देखेंगे तो प्रतिभूति बाजार में भी आपका आ जाता है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। अब ये शेयर मार्केट में भी आपको 2 तरह का मिलेगा, एक BSE मिलेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक मिलेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां आप फंस जाइएगा कि सेंसेक्स में गया है कि निफ्टी में गया है। और यहां शेयर खरीदने में एक और गलती करेंगे आप लोग, इक्विटी लीजिएगा या फिर प्रेफरेंस शेयर लेना पड़ेगा यहां पर। तो शेयर मार्केट जो होता है, स्टॉक मार्केट, इसको समझ रखना बड़ा जरूरी होता है कि आप बियर साइड में जा रहे हैं या बुल जा रहे हैं, हिंदी में तेजड़िया मंदड़िया कहते हैं, और इसका सीधा रिलेशन हो जाता है सोना के से। आप देखे होंगे एक बढ़ेगा तो एक का रेट घट जाता है। तो इस सब चीजों के बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये जितना बताएं आपको RBI वगैरह के, आप इसको समझ गए होंगे। आप एप्लीकेशन में इसका हम PDF और नोट्स वगैरह सब देंगे आप लोग को। आप सब लोग को पता है, हमको भी पता है भाई साहब, आप लोग को एप्लीकेशन का बहुत इंतजार होगा। एक लड़का कह रहा है कि आप एप्लीकेशन का वादा वैसे कर रहे हैं जैसे नेता वादा करते हैं। सो देखिए, एप्लीकेशन के बारे में एक चीज हम आपको बता देते हैं, उस पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन, क्योंकि एक अच्छा दिन होना चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे हम किसी भी दिन, हम पहले बता देते हैं आपको, उस दिन फीस थोड़ा सा कम रहेगा, हम पहले बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।